नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली बैठन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बलियरी से रिहंद नदी में मिलने वाली म्यार रेड़वा कांचन नदी है, जो रात के अंधेरे से लेकर सुबह भोर तक ट्रैक्टर से अवैध बालू ढुलाई बिक्री का कार्य जारी है। वहीं बता दें कि बेढ़न बलियरी व अन्य जगहों पर अवैध रूप से चल रहे कार्य को रोकथाम के लिए सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला व पुलिस अधीक्षक सिंगरौली निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर खनिज अधिकारी केएल राय के द्वारा अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए बलियरी में जगह जगह रेत भंडारण पर छापामार कार्रवाई में लाखों रुपए का अवैध रेत जब्त किया गया है। आपको बता दें कि रेत माफियाओं के द्वारा 2500 से 3000 रुपए के प्रति ट्रैक्टर अवैध रेत को विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार लाखों रुपए का रेत रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक रेत माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। बता दें कि रेत माफियाओं के द्वारा बारिश में बिक्री करने के लिए बलियरी क्षेत्र व अपने और दूसरों के घरों के आगे पीछे की तरफ जगह जगह लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रेत को नदी से निकाला गया ताकि बारिश में बिक्री करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। और ऐसे में सैकड़ों ट्रैक्टर रेत को यदि 2500 से 3000 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो लाखों रुपए का रेत इकट्ठा किया गया।